मैं आ चुका हूँ इस टाइम भाई टुंडे कबाबी पर, फूड वाउचर। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, आपका भाई है इस टाइम चांदनी चौक ओमैक्स मॉल। लखनऊ का जायका चलकर आया है दिल्ली अपने ओमैक्स मॉल में, जो है टुंडे कबाब। तो आज टुंडे कबाब ट्राई करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या क्या है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आया हूँ टुंडे कबाब ट्राई करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले करवा लेते हैं भाई चेकिंग। तो चलिए, मेरे पीछे ओमैक्स चौक का एंट्री गेट, तो आइए करते हैं एंट्री और देखते हैं बढ़िया बढ़िया जायके। तो मैं आ चुका हूं भाई साहब इस टाइम ओमैक्स चौक दावतपुर। तो ये है भाई अपना ओमैक्स मॉल, जिसको मैं आज कर रहा हूं भाई साहब एक्सप्लोर। और जा रहे हैं हम कहां पर? भाई ऑप्शन इतने सारे आ चुके हैं ना यहाँ पर खाने के कि मैं तो खुद देखकर हैरान हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं भाई यहाँ पर, और सेटिंग एरिया तो है ही बढ़िया। तो मैं आ चुका हूँ इस टाइम भाई टुंडे कबाबी पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लखनऊ का जायका जब दिल्ली में चल कर आए तो उसे कहते हैं टुंडे कबाबी। तो आओ। टुंडे कबाब का आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में मेन्यू आ चुका। और हमने जो ऑर्डर करना है वो करना है अपने को मटन गलावटी कबाब 4 पीस 2 पराठे के साथ, 369 ओनली मटन 1 प्लेट 387। ओके, तो चलिए भाई, लखनऊ में तो अभी तक हमने जाएगा चखा नहीं क्योंकि अभी जाना नहीं हुआ। तो मैंने सोचा जो लखनऊ से जाएगा अपना दिल्ली आया है तो ज़रा उसको भी चख लेते हैं टुंडे कबाब भी कैसे होते हैं। बाकी गलावटी कबाब तो बहुत खाली दिल्ली के अंदर दिखा भी दिए, जो असली टुंडे कबाबी हैं भाई जरा वो चख लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहली बात मैं इसका प्राइस बता देता हूँ आपको। इसका प्राइस था 369 और GST लगकर तकरीबन ये 380-390 का आया है। और बिल्कुल यहाँ ये मैंने मटन के कबाब लिए हैं भाई, मतलब ये ऐसे हैं, देख रहे हैं आप, मतलब पूरा कबाब भी हाथ में नहीं आया है, देख लो आप। ऐसे मैंने ये उठाया और ये देखो, ये इसकी गलावट है। और ज़रा भाई टेस्ट तो अलग है। और इसके साथ मैंने मंगाए यहाँ पर भाई 2 इनके वर्की पराठे। ये पूरा एक प्लेटर है, 3 मतलब GST लगकर 380-385 रुपये के अंदर। तो मुझे वहाँ के रेट तो अभी कंफर्म नहीं है, बाकी वहाँ के रेट क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिसको पता हो। तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं कबाबों से। देखिए, बिल्कुल अगर कबाब पराठे में उठा के दिखाऊँ तो बिल्कुल देख लो आप, मतलब यार मुंह में जाके तो घुलेगा ही, सीधी सी बात है। तो अभी प्याज ना चटनी कुछ लगा के नहीं, ऐसे ही बिस्मिल्लाह करते हैं। पराठा तो बिल्कुल सॉफ्ट है। अच्छा, इनके कबाबों के अंदर है ना मसाले बिल्कुल बिल्कुल लाइट हैं एकदम, और एक अलग सी खुशबू आ रही है यार। वो खुशबू कहीं की मुझे पता नहीं फिलहाल, मतलब वो अलग से खुशबू आ रही है एक। गलावट तो बहुत है भाई, खुशबू जिस चीज़ कहाँ की है वो मुझे पता नहीं, लेकिन यार जिस नाम से फेमस है टुंडे कबाबी गलावट के, तो वो तो है ही। तो भाई टुंडे कबाबी का जो नाम है ना वो फेमस है, ठीक है गलावटें फेमस है, लेकिन भाई अब पुरानी दिल्ली के अंदर भी है ना ऐसी गलावटें बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि हाँ इनका कुछ जायका जो है ना, जो अलग से इसके अंदर खुशबू जी आ रही है यार,
ऐसे एक होती है ना महक सी, मतलब कुछ शाही महक सी जो होती है इत्र वित्र टाइप की, वैसी वाइन की खुशबू आ रही है लाजवाब वाली। और बाकी चटनी प्याज तो वही नॉर्मल है, हरा धनिया पुदीने की। ये एक भाई बनाने वाला बढ़िया सा, मज़ेदार है बिल्कुल। तो मैंने सोचा यार आ गए टुंडे कबाबी पे, दिखा भी देते हैं थोड़ा सा ओमेक्स मॉल का, यहाँ का जो एम्बियंस है, जो यहाँ का माहौल चल रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। बाकी अभी एक आध जगह और चलेंगे, देखते हैं और क्या क्या मिलता है वो भी खाएंगे इंशाल्लाह, और भी जाएगा आपको दिखाऊंगा। बाकी ये जाएगा खाते हैं फिर लेके चलता हूँ आपको इंशाल्लाह आगे। भाई यहाँ पर आर्ट देख रहे हैं आप, डोर विंडो आप देख रहे हैं पुरानी, जो मोस्टली पुरानी दिल्ली के जो घरों में लगे होते थे सारे वही डोर लगे हुए हैं, देखो आप। तो भाई यहाँ पर अब देखो अलबेग भी आ चुका है, बाकी थोड़ा बैक साइड आया हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, छोटे छोटे यहाँ फाउंटेन लगे हुए हैं और अभी फ़िलहाल चल ही रहा है, देखते हैं। बाकी एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, देखो आप सामने देख रहे हैं कुरेशी कबाब कॉर्नर गुड्डू भाई का, ये भी बहुत जल्दी भाई ओपन होने वाला है। ये सब मेरा और बढ़िया माहौल चल रहा है। तो अब टुंडे कबाब खाने के बाद मैंने सोचा कुछ ठंडा पी ले जाए, तो भाई यहाँ पर एक अपने को स्टॉल, मतलब एक शॉप है ताज शरबत के नाम से सिंस 1955। बाकी इनके पास भाई क्या क्या वो सब देखते हैं। ये देखें आप पूरा इनका स्टॉल है, बाकी ये इनका मेन्यू है, मेन्यू में देखते हैं क्या क्या है। हमने इनको शरबत लिया है ना, वो लिया हमने रात रानी और स्पेशल क्रीम, और हमारे हसीन भाई ने इतना बढ़िया काम करा है 200 रुपये बचा दिए मेरे। भाई ओमैक्स चौक को क्या है अभी खुले हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, लेकिन यहाँ का आप कंस्ट्रक्शन देखें, अभी से प्लांट देखो लीक होने लगे हैं भाई, और पानी टपकता हुआ दिख रहा होगा आपको, सब जगह देख लो आप। अगर हम इस चौक की अच्छाई दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा भाई नेगेटिव पॉइंट भी दिखाएंगे ना, टपकना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा तो हसीन भाई ने हमारा ये लिया है भाई ताज शरबत का रात रानी और स्पेशल क्रीमी, आए थे टुंडे कबाब चखने के लिए और इसके ऊपर आ चुके हैं ये रात रानी। अब इसमें से रात रानी कौन सा है और क्रीमी कौन सा है मुझे नहीं पता। टोटल मतलब फ्लेवर्ड का मज़ा है भाई, और कुछ यूनिक, मतलब कुछ ज़्यादा टेस्ट वैसा नहीं है कि लगे हाँ जी बहुत बढ़िया है, नॉर्मल टेस्ट है, अलग अलग फ्लेवर है, कुछ दोनों ही क्रीमी लग रहा है मुझे तो फ़िलहाल। रात का रानी क्या है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये है कि हाँ कुछ अगर आपको ठंडक चाहिए और ओमैक्स मॉल में आ रहा हो सब कुछ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ये भाई एक 100 का है और एक 80 का है, तो आप ये समझ लो। बाकी आए थे मज़ेदार, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, टुंडे कबाब भी अच्छे थे तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। बाकी अभी क्या है यहाँ पर अपना वो चल रहा है कि अगर आप ओमैक्स चौक में फूड कोर्ट में, मतलब दावतपुर के अंदर 500 रुपये से ज़्यादा का आप कुछ खाते हो तो यहाँ पर आपको भाई एक वो मिल रहा है, कुछ गिव अवे चल रहा है यहाँ पर, वो आपको लेके चलता हूँ अभी दिखाता हूँ। देखो जी यहाँ पर चल रहा है अपना ईट एंड विन मेगा गिफ्ट्स, बाकी हसीन भाई और हमने 500 रुपये से ज़्यादा का खा लिया है यहाँ पर, और हसीन भाई आ रहे हैं अपना भाग्य निभाने के लिए, भाग्य आजमाने के लिए आए, अपना नसीब आजमाने के लिए आ रहे हैं आप जी, नसीब आजमाने के लिए आ रहे हैं आप भाई, किस्मत ही आजमा सकते हो क्या कर सकते हैं। तो जी हसीन भाई फॉर्मेलिटीज करते हुए के लिए चलिए क्या आता है देखते हैं भाई। रीस्पिन डबल योर विनिंग्स, चलो जी एक बार और घुमाया
फिर रीस्पिन, फिर एक बार और घुमाओ। चलो जी, फूड वाउचर। लो जी, हम है ही फूड ब्लॉगिंग वाले और हमारा फूड वाउचर ही निकल गया, आप देखें जरा। स्वदेशी पिज़्ज़ा का ये फूड वाउचर है जी। तो दोस्तों, ये थी ओमेक्स चौक की वीडियो, जहां पर मैं आया था आपको टुंडे कबाब दिखाने के लिए और उसका जायका आप तक पहुंचाने के लिए। बाकी इसके साथ साथ मैंने आपको यहां का माहौल भी दिखाया और यहां का ताज शरबत था वो भी दिखाया, तो चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी यहां पर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे कि एसी में से पानी भी टपक रहा था, तो मुझे तो मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अब चलते हैं बाहर। ये वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज संडे वाला दिन है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जगह के साथ। अल्लाह हाफिज़।